और बेटी का मिलना 9 साल बाद हो रहा है। 22 जनवरी 2013 को मुंबई में रहने वाली 7 साल की पूजा गौड़ अपने स्कूल के बाहर से लापता हुई थी। अब 9 साल बाद पूजा घर लौटी है। पूजा अब 16 साल की है। बेटी की याद में दिन रात रोती पूनम गौड़ के सामने अपनी बच्ची ऐसे अचानक लौटी कि माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मेरे बेटे हैं, उम्मीद ही है मिल गई। जैसा ही मिल जाता तो खुश थे। उम्मीद तो पहले ही से थी, लेकिन जब इसके पापा खत्म हो गए तो उम्मीद थोड़ा कम हो गया था कि ढूंढने वाला ही नहीं है, भागने वाला नहीं है, तो फिर कैसा मिलेंगे। लेकिन ऊपर वाले को मेहरबानी, शायद नीचे से जाके ऊपर लड़ाई करे कि मेरी बेटी को भेज दो, मेरी वाइफ अकेली है। लेकिन उसके अंदर उसको देखते तो उसके अंदर उसके पापा दिख जाते, मेरे को सुकून मिलता। 9 साल अच्छा हुए, दीदी का मेहरबानी, भाई का मेहरबानी, मेरी बच्ची मेरे पास आ गई। 35 साल की प्रमिला देवेंद्र वही काम कर रही थी जहां पूजा को अपहरणकर्ताओं ने काम पर लगाया था। पूजा ने खुद काम करते वक्त एक दिन बड़ी हिम्मत जुटाकर प्रमिला को बताया कि जब वो छोटी थी तब उसका अपहरण हुआ था। वो पहले से बोलती थी मेरे को, ये मेरी माँ बाप नहीं है, मेरी माँ बाप नहीं है। मैं बोली माँ बाप बेटी लोग का झगड़ा होता होगा, शायद ऐसे ही बार बार बोल रही है क्या, मेरे को मुझे ऐसे ही लग रहा था। यूट्यूब से पूजा ने निकाल के दिया उन्हें, यूट्यूब से। तो मैंने मुझे बोला दीदी ये मेरा ही फोटो, ये मैं ही हूँ, ये मेरी मम्मी पापा है। तो मैंने ये वीडियो, हमारे एरिया में एक लड़की है तो उसको मैंने ये वीडियो भेजी थी, तो उन्होंने गूगल से सर्च करके मेरे को भेजी। मैंने उसमें से नंबर निकाल के मैंने फोन बात किया था, तो 3 नंबर लगा ही नहीं था, किसी का 4th नंबर लगा और रफीफ भाई उनका नंबर लगा। उनसे मैं 1-1.5 घंटे से बात करी, ऐसी लड़की घूम गई है आपके इधर से, कोई वो बात करना चाहती है आपसे। पूजा ने अपनी माँ को तलाशने के लिए पहले वीडियो कॉल किया था जो रफीक ने उठाया। जॉब पे मैं निकल गया था, जैसे मेरे जॉब पे मैं कुर्सी पे बैठने गया वैसे फोन आया मैडम का। फोन आया ना मेरे बाद तो ये हो गया। फिर मैडम बोले, मैंने बोले बात करो, बोले पूजा से। बोले बात किया बेटा, क्या है, किधर किधर क्या रहती किधर। बोले मैं मेरी मम्मी से बात कर रहा था। मैं बोला अभी तू वीडियो कॉल कर, मैं मम्मी से तेरे को बात करूंगा। मेरा नाम क्या है बेटा? पूनम है ना? पहले सुबह 8 बजे स्कूल जाते समय पूजा लापता हुई थी, तब वो पहली क्लास में थी। पिछले 9 सालों में क्या क्या हुआ ये भी पूजा ने बताया। मैं जब 1st स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तो भाई तो अंदर चले गए थे, तो मैं पीछे पीछे आ रही थी, तो उन्होंने बोला अभी घर में छोड़, घर जाके छोड़ेंगे। बस में बिठाया, बस में रोई लेकिन चुप करा दिया मुझे। तो वहां से डायरेक्ट हाजी मलम लेकर गए पहाड़ पे। तो फिर पहाड़ पे जाने वाले पहाड़ के ऊपर भी बहुत रोई कि जाने का मुझे माता पिता के पास याद बहुत आ रही। तो फिर उन लोगों ने बोले कि ज्यादा भी रोई कि ज्यादा शोर मचा कि नाटक करी, इसलिए यहाँ से पार से धक्का देकर हम लोग चले जाएंगे। तभी डर के बारे में अपना चुप हो गई थी। तो फिर वहां से वहां पे 2-3 दिन रुके। 2-3 दिन होने के बाद हम लोग गोवा चले गए। फिर वहां से हम लोग 2-3 महीने रुके। फिर वहां से हम लोग विरार में आ गए। विरार में आने के बाद वहां पे 3 महीने रुके। फिर वहां से मुझे हॉस्टल में सीधा डाल दिया रायचूर में। तो वहां पे दूसरी तक पढ़ी 1 साल। जैसे कि उनकी बेटी होगी वैसे हम लोग ने मुझे निकाल दिया। मारना शुरू, गाली देना, गंदी गंदी गाली देने का, पट्टे से, बेल्ट से, बेलन से, लात से मारना, बाल पकड़ के मारना, बहुत मारी बेलन से। मतलब बेलन से ऐसा मारी मेरा कपड़ा पूरा खून से गिला हो गया, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए। ऐसे उसने घर पे मेरे को चूना लगा दिया सर पे। मुंबई के डीएन नगर पुलिस ने इस मामले में हैरी और सोनी डिसूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। अब तक पुलिस ने हैरी डिसूजा को हिरासत में लिया है, लेकिन पूजा के साथ मारपीट करने वाली सोनी डिसूजा को भी हिरासत में लेने की मांग परिवार वालों ने की है।
प्रमिला पिछले 15 सालों से बाहर काम कर रही हैं। पिछले 7 महीनों में पूजा और प्रमिला के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। क्या माँ बेटी की तरह हमेशा प्यार किए, ऐसा हम लोग थे उधर काम के, उधर इतना मैं बोल सकती हूँ। लेकिन अभी भी वो काम पे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहती हूँ अभी अच्छी जगह में है, वही मेरे लिए बड़ी बात है। मैं यही चाहती हूँ ना, हर माँ यही करना चाहना चाहिए, हर माँ यही सोचना चाहिए, कोई बेटी कोई दुख बताए उसका साथ देना ही चाहिए, मैं यही चाहती हूँ। पूजा और उनके परिवार वालों के पिछले 9 साल कभी लौट कर नहीं आ सकते, शायद 9 साल का खालीपन कभी भर ना पाए, लेकिन प्रमिला के एक साहसी कदम ने पूजा और उनकी माँ की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। अब पूजा ने बड़ी उम्मीद के साथ